ये चक्कर है, आज तो किन्नो माल्टे लाए हैं। वाह जी वाह, अच्छा इनको फ्रूट नजर आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, ये माल्टे हैं। नहीं तो नाम ही ऐसे निकाल के रखते जा रहे हैं। दो दो बन रहे थे, दो दो नहीं आते, दो दो। और पानी इसमें से बाहर जा रहा है, वो देखिए ज्यादा ओवर होता जा रहा है। लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। इधर बोल देखो, वो पता नहीं भूखी थी, पता नहीं क्या चक्कर था, तो इतने भी नहीं चल रही थी। और आपकी जबान भी चेंज हो रही है अभी। चेंज हो रही है, मुझे पता है, जो सरे की भी चल रही है। कभी शादी ऐसे की है जैसे ना वो सच में शादी करते हैं वैसे ही। एक कागज था और एक पेन थी। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सिस्टर ना वीडियो में अलाउड हो गई। खैर मुबारक है। हाँ जी, वो बहुत ही शरीफ है और मैं तो मुझे शुरू से कहते हैं कि एक शब्दार है, तलाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हैं? हम सब उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो जो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करें। वीडियो पर जो भी मारे अल्लाह पाक उनको छुपा दे, जो बे औलाद अल्लाह पाक उसको नए औलाद दे, और जो मजदूर है चल फिर नहीं सकते अल्लाह पाक उसको चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आमीन सुम्मा आमीन। तो इस नेक दुआ के साथ चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो अभी अभी मैं गूंद रही हूँ आटा, और फरमान भाई जो है वो सब्जी लेने के लिए चले गए हैं। कि आज मैं ये बता दूँ, अबू ने बोला कि आपने कुछ नर्म चीज़ खानी है, कूली गिजा खानी है, इसलिए ना अभी अभी मैंने अपने लिए ना वो सूजी का हलवा बनाना है। सूजी ले आएंगे फरमान भाई, और पूरा दिन जो है ना वो कमरान और अम्मी जो है जंगल में थे, इसलिए फरमान भी को हमने कब से बोला था कि आप जाएं सब्जी वगैरह ले आएँ, सब्जी वगैरह ले आएँ, लेकिन वो सुनता भी नहीं है हमारी। एक अब्बू से डरते हैं सब और किसी के से नहीं डरते। तो हमने बोला है कि जाएं सब्जी ले, अभी अभी वो गए। माशाल्लाह से असर की अजान भी हो रही है और अंधेरा भी होने वाला है। अभी हमने सब्जी भी नहीं काटा, आज तो लेट पक्के ही लेट होंगे। और अभी मैं आटा गूंथ लूँ, इसके बाद और कुछ भी नहीं कहना मुझे। पाइप हमारा फट चुका है और पानी इसमें से बाहर जा रहा है, वो देखिए ज़्यादा ओवर होता जा रहा है। और यहाँ से पानी कहाँ जा रहा है अभी आप वो देखते जाए ना, इसकी लाइन वो गेट क्रॉस करके बाहर जा रहा है सारा। तो ये पानी जो है ना ज़ाया हो रहा है, इसको ना कोई टेप वगैरह लगानी पड़ेगी। अम्मी जान खड़ी तो यहाँ तमाशा देख रहे हैं, कार कुछ नहीं रहे, तमाशा नहीं देख रही, कोई काम जी में लगा है। वो हाउदी में पानी जा रहा है तो अभी हम बंद कर लिए, पहले मैं बंद कर लूँ, बाद में हाँ आ जाए, हाल वाल कर लें। मैं पहले कर लूँ। अच्छा वो अम्मी आप गद्दा की स्टोरी सुनाए। गद्दा की स्टोरी है, आज जब तू सुबह सुबह गए थे तकरीबन 11:30 का टाइम था, देखो वो पता नहीं भूखी थी, पता नहीं क्या चक्कर था, तो इतने भी नहीं चल रही थी।
होले 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 ले बस चलते चलते वो कोई टाइम लग गया। पहुंच गए जंगल में, फिर लकड़ी बनाया उसे छोड़ देते हैं बिल्कुल चार पीघने। हम लकड़ी जरा ना सूखे सूखे बोलना पंजना सूखे सूखे लकड़ी हम कट्ठियाँ करके फिर लड़ना शुरू कर दिया। कबरान उत्ते चार गया मत्था ब्या उठा उठा के देती गई तो पूरी बस इतनी सी लक्कड़ बच्ची माँ आखिरी में चात देने लगी तो गद्दा को पता नहीं क्या माहौल है फिर के बैठ जाए जीवन जब बैठी हो जी कमरान भी लकड़ी भी सारे सारे उतरिया वो एक नहीं उतर रही तो बच्ची खिंडिया गन सारा बात तू गड्ढा तो तू हटाया से काठियाँ वाला गड्ढा को उठाए से वाला उठा के बात वाला लड़ना शुरू करते थे वाला छेकड़ी और ला देते माइक रस्सा मारू तो जुलो रस्सा मारन पियो बला माए थे बात सारा काठा तल ले बात जे हसे कमरान को गुस्सा आया लकड़ी में मोटी एक उठा के मैं रेड़ी गड्ढा के करीब खड़ी उठा के वो लकड़ गद्दा को मारा पे तो मेरी टांग पे लगी इतना जोर दे लगी ना अंदर मेरी टांग दे सूजी खड़े खून जम गया ऐसा जोर के ना अपनी भूमि तो मारा गद्दा हुआ बच गए गद्दा को नहीं लगी फिर ना उसे बलाओ गड्ढा खोद खोल के जगह रेड़ी चू उनको बाहर कितने से वाला लकड़ी वाला कुछ सीधा किचन से वाला जरा ना गड्ढा को वाला पंजाल से मैं रस्से को पकड़ खड़िया बोले वाला ना बैठ जाए तो कमरान ने जा लकड़ी फिर उठाया फिर जो लड़ी चया होला वजन ज़्यादा नहीं से लग जाए बोले ज़्यादा वजन नहीं से बैठ जाए फिर एक कंठड़ी एक मैंने उठाई एक कंठड़ी उतर छोड़ के आया ताकि हौला सब जल लाए तो थोड़ा सा तो ले आए बोले टाइम ही ख़त्म हो गया सुबह के गए शाम असर हो गई पीछे कोई काम वगैरह नहीं हो गया। अच्छा आपके हालत बहुत सीरियस है और आपके जबान भी चेंज हो रही है अभी। हाँ चेंज हो रही है मुझे पता है जो सारे की भी चल रही है। कभी कैसे कभी कैसे बस अन्य तक दिमाग सेट नहीं है तो पांड उठा के वो अन्य गाटा भी दुखता है फिर इधर रही तो कोई जानवर कोई कहीं नहीं पानी उन्हें बेचारे कहीं नहीं जो पिलाया बोले वो जानवर खड़े जो है उन्हें दे उन्होंने पानी पिलाया तूड़ी डाला और गई थी तूड़ी बना के वो मुर्गा ही बाढ़ गया यही जलील के थे खड़े मुर्गिया खुद अरे पर होता ले क्या। अच्छा वो है मिसाल एक बच्चा औरत और गद्दा की कहानी वो अभी आपने सुना दी। हाँ गद्दा की कहानी जो है ना बहुत बुरी है मैं इतना तंग होगी ना मैं के सुबह ना ये बस चली जाऊंगी एक पांड उठाई के सर पे बदल गया बस गद्दा को मैं तक नहीं गया कि चाहिए जो मुंडे जाएंगे जो गिले छापे हैं लेके छापे लाट के आ जाए ना मैं सूखे लकड़ियाँ बढ़ाऊँगी ना लडूंगी ना गद्दा के साथ जाऊँगी बस। गद्दा बहुत गंदी लगती है जलील करेंगे गंदी क्या लगती है जो चार पंडा उठा के ले आती है पूरा दिन खप जाता है पता क्या है वो है भूखी बेचारी जंगल में कुछ होता नहीं है तो आपने घर में उसे कोई भूसा वगैरह रखे घर रखते हैं दाने भी रखते हैं भूसा वगैरह ही रखते हैं फिर वो अभी कुछ सावा घाव तो ऐसे में वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। राशन फरमान भाई ले आया माशाल्लाह ये चेक करें आप तो किन्नो माल्टे लाए हैं वाह जी वाह। अच्छा इनको उतारो एक एक चीज मारो रिजवाना आगे लेने तो कि सब्जी काटेगी और ये कि आप इधर वाले उतार लो ना और ये सब्जी भी मुझे दिखाना सब्जी। हाँ ये हाँ जी माड़ू आज बना रहे हैं माड़ू और इसको टाइम से छिले बनाए इस्तेहाना भी आ चुकी है माल्टों का सुनकर माल्टे वाह जी वाह वाह जी वाह ले जाओ अम्मी के पास बोलो वांडो मालते हैं फ्रूटर हैं मुझे तो फिर से फ्रूटर नजर आ रहे हैं फ्रूटर हैं ये मालते हैं मालते हैं मुझे तो फ्रूटर लगते हैं। चलो इसको ना अभी अम्मी को बुलाओ ये मुझे दिखाओ ये फ्रूटर हैं नहीं देगी
सूजी भी ले आए, सरफ भी ले आए। हाँ जी। चलो वो अम्मी बैठ गई। अच्छा साकिब इधर सोया हुआ है नीचे, फिर सो गया। वो लेने वाले मियाँ आए नहीं, हमने दिखा के खाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा है खुद की नहीं है। हाँ मुझे भी माल्टा लग रहा है। नहीं वो ही है जो ऑर्डर लेके आया। इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? नहीं ताजे हैं, कुछ मोटे मोटे, वो तो वहाँ छोटे बच्चे हुए थे। वो ही है और हवा ऐसी आ रही है। फ्लोटर है ना जी। माल्टा अभी इतना नहीं पका। चले इस्तेहाना को तो खुश कर दिया ना। इस्तेहाना अम्मी को बोलो वांडो। ये इस्तेहाना को ना दे ना, पहले वांड ले। ये छिलके ला के आप खा दे, इस्तेहाना को ना दे। ठीक है? नहीं नहीं आज नहीं देना इस्तेहाना को, नहीं देना अम्मी। अच्छा अगर आपको ना देते तो ये लेके क्यों आते? ये तो आपके लिए लाए है ना, फिर रोते क्यों? नहीं अभी अभी ना मांडो। नहीं नहीं कमरान अम्मी इसका तमाशा देखते हैं। कमरान को नहीं देगी, मुझे देगी। अभी आपके लिए तो लाए थे, एक फल दे दो। फिर बिस्कुट भी आ रहा है, बिस्कुट खाओगी? निम्को निम्को खाओगी? अच्छा निम्को मंगाते हैं, एक दे दो। नहीं देने? चलो फिर मुझे मत कहना कि कुछ मंगा के। सियाना ने नहीं दिया ना, चलो कोई बात नहीं। अब आ चुके हैं सर्दियाँ हैं अम्मी, अब आ गई सर्दियाँ। और ये डेली जो है ना माल्टे फ्रूटर ये चीज़ें जो है ना चलते रहेंगी अब, और ये बहुत मुफीद होते हैं। चलो जी वांट दिया इस ना, आपका हिस्सा मिल गया। ओ साथ के भी रोने लग गए। रखते जा रही है, दो दो बांट रहे थे, दो दो नहीं आते। दो दो चलो पहले इसको चुप करा लो, उसके मुंह में वो चूसने दे दें, फिर चुप हो जाएगा। नहीं सूजी की जो है मैंने बुनाई कर ली है, तो अभी इसमें पानी वगैरह भी डाल दिया है और ये चेक करें। और अभी इसमें ना चीनी डालते हैं, चीनी वगैरह डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। जब ये बन जाएगी तो फिर इसके बाद जो है रोटी बनाएंगे। और भाजी अभी सब्जी काट रहे हैं, सब्जी काट जाएगी तो फिर उसके बाद सालन भी बनाना शुरू कर देंगे। फ्रूट खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah,
माशाल्लाह ये है हमारी शाम की रूटीन। सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। ये देखें, कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई जो है वीडियो बना रहा है। हाँ जी, क्या ढूंढ रहे हो हसीब? क्या ढूंढ रहे हो? ये लगते रहते हैं। और माशाल्लाह किचन में जो है काम स्टार्ट हो चुके हैं। रोटी हांडी रिजवाना बना रही है, टुक्कर कौसर भी बैठेगी इधर, है ना? आपका वलाने का काम है। अरे भाजी वाले जो है ना वो वीडियो बना रहे हैं। सूजी बन गई, सूजी बन गई, वो देखे वो खा भी रही है। इधर देखना, वो काले वाले खा लो ना उसको। क्या नहीं, मुझे भूख लग रही थी, मैं उधर से ना प्लेट में डाल के जब बनाया उसको, वो रिजवाना तो दिया तो चमचा धो रही थी उधर से धो रही थी वो आज। हाँ वो सारा नहीं बनाया अभी, वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो इस बार के बना रहे हैं क्योंकि वो भाभी की जो सिस्टर है ना बड़ी, वो माशाल्लाह से वीडियो में आ चुकी है। और उनने असलम मामू और मामू मुखलिस हो गए, मतलब सब मामू जो है ना हमारे, उन्होंने उनकी शादी की है। और शादी ऐसे की है जैसे ना वो सच में शादी करते हैं वैसे ही। एक कागज़ था और एक पेन थी, वो जैसे निकाह पाते हैं ना ऐसे भी उन्होंने शादी की है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर किसी को रोजी दे। और इसलिए चैनल बनाता है क्योंकि घर में कुछ भी नहीं होता, इसलिए क्योंकि अपनी रोजी कमाता है, रोजी बनाता है। हमारे घर में भी ऐसा हुआ था, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक चैनल बनाया था और उसके बाद फरमान भाई ने बना लिया। वो जब फरमान भाई को मैं देखती हूँ तो फिर मुझे हंसी आ जाती है। जब भाभी को ना हमने वीडियो में लिया ना, अलाउड नहीं थी वीडियो में, फरमान भी रोकते थे कि अपनी भाभी को ना वीडियो में नहीं लाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अब जब मैं देखती तो फिर मुझसे हंसी आ जाती है। मैं कहती हूँ फरमान भी पहले कैसे बातें करता था। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तीन तीन चैनल बन चुके हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को दे, आमीन। और वो एक बात मुझे याद आ गई अभी, एक बार ना भाभी आटा गूंद रही थी, मैंने वीडियो बनाई, उनके ना हाथ आटे में उन्होंने डुबोए हुए थे। फरमान भाई की कॉल आ गई कि ये हाथ नजर आ रहे हैं, ये क्यों बनाई है वीडियो? वो फरमान भाई मना करते थे तो इसलिए ना, वो एक दिन जकिया खड़ी थी वो गेट के साथ, मतलब वो कमरे वाला गेट है ना उसके साथ खड़ी हुई थी, तो उधर से जकिया खड़ी हुई थी क्योंकि जकिया भी वीडियो में अलाउड नहीं थी, तो उधर से ना जकिया खड़ी हुई थी, तो काफ़ी बहन भी उनके कमेंट आए और कॉलें आई। वो उन्होंने यही कहा है कि आपकी भाभी ना वीडियो में आ गई है तो आपका भाई गुस्से हो जाएगा। तो हमने यही बोला था कि वो हमारी भाभी नहीं है, वो हमारी बड़ी सिस्टर है। फिर बहन भैया को पता चला, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई परेशानी नहीं है, सब वीडियो में आ जाते हैं। अब जैसे भी कैमरा घुमाए कोई परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि जो इंसान कोई वीडियो में आए कोई ना आए तो इसलिए मुश्किल बन जाती है कि ऐसे कैमरा घुमाए वो वीडियो में नहीं आती वो आ जाएगी। इसलिए ना वो मेरी अम्मी जब इधर आती है तो उनको भी मैंने वीडियो में डाल दी, जो मेरी सिस्टर नहीं आती थी, मैंने कहा जो इधर आएगा वो वीडियो बनवाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सब आते हैं, वो मेरे मामू हो गए और मामी होगी, नानी होगी, खाला जान होगी,
मेरी अम्मी होगी, मेरी सिस्टर होगी, सब माशाल्लाह से आ जाते हैं। और अम्मी की जो वो भाभी की जो है ना सिस्टर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज आ चुकी है, और उनकी अम्मी भी आ गई है, उनके वो बहनें भाई अब्बू दादा जान सब आते हैं। माशाल्लाह से हमारी जो भी फैमिली है सब आ जाती है। और वो भी आ गए हैं अभी, देखे। हाँ जी, अभी भाभी को मुबारकबाद देते हैं। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी सिस्टर ना वीडियो में अलाउड हो गई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बस ये दुआ करें कि उनका चैनल ना जल्दी ग्रो हो। हाँ जी, बहन भाई ना उसे सपोर्ट करें। ऐसा सादिया व्लॉग अभी तो वो सर्च में नहीं आएगा, बस एक हफ्ते तक उनका चैनल ना सर्च में आ जाएगा। जी, नए नए वाले दोनों सपोर्ट तो करेंगे। हाँ जी, जो न्यू न्यू चैनल बनाते हैं ना, वो बहन भी काफ़ी देखते हैं। वो कहते हैं इनका ना ये घर देखें, उनकी बातें सुनें, क्योंकि जब हमने भी न्यू न्यू चैनल बनाया था ना, तो कैसे बातें करते थे, भूल जाते थे, हंसते रहते थे। अब तो हम सीख गए हैं। मजे की बात तो ये है कि साफ जानते हैं कि मेरी बहन शर्मीली बहुत है, किसी से इस तरह बात नहीं करती। जब भी कोई बात करती है ना, वो हंसती रहती है, बात भी करती है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि व्लॉग में कैसे वो बोलेगी। वो सब सीख जाते हैं, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, जल्दी सीख जाएगी। हाँ जी, वो बहुत ही शरीफ है, और मैं तो वो मुझे शुरू से कहते हैं कि एक शब्द है तलाक है, लेकिन वो तो शर्मीली ही है। एक मेरी बहन सादिया और एक मेरी बहन निमरा, ये दोनों एक ही जैसी है। जो मुझसे छोटी है निमरा, उसी की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं ना न्यू के नौ दिन। हाँ जी, अब नवे दिनों जा रहे हैं उधर आना ना। हाँ जी, चलो बस अल्लाह पाक ना उसे जल्द से जल्द वो कामयाब करे। इंशाल्लाह।